लास्ट ब्लॉग, तो आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है नाइट से। तो अगर आपको इस लोकेशन के बारे में पता है तो मुझे कमेंट करके बिल्कुल भी मत बताना, क्योंकि मुझे पता है ये कौन सा पुल है। तो मैं आपको थोड़ा थोड़ा मोटा मोटा आइडिया बता देती हूँ। मैं आज आनी जा रही हूँ, मेरा मतलब कल जाऊंगी आनी, क्योंकि मुझे कुछ नहीं मिलने वाला है। मेरी बहन को मिलने वाला है लैपटॉप और मैं जा रही हूँ अपना एम्प्लॉयमेंट में नाम दर्ज करने। तो सुबह हो चुकी है, अब हम ब्रेकफास्ट करेंगे, रेडी वेडी होंगे। मैंने पोटैटो को एक हार्ट शेप में काटा था पीस, वो पता नहीं किसको मिल गया। तो बस इतना था। सुबह फिर भागी हम फटाफट से गाड़ी में, मैं पीछे बैठी थी, ऐसे झटके लगे। जो मेरी आंतरिया थी वो आपस में उलझ गई और जो मेरे फेफड़े थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरित हो गए। बस सबसे पहले हमने रामपुर का सफर तय किया, उसके बाद हम थोड़े आगे पहुंचे खोपड़ी मंदिर के पास, तो वहां पर मत्था वत्था टेका, उसके बाद थोड़ा आगे पहुंचे। उसके आगे पहुंचने की लोकेशन है क्या बताऊँ यार, ऐसे हड़बड़ाहट में ना ऐसे मतलब उधर झूल झूल के पहुंच रहे थे, मुझे पता ही नहीं चल रहा था कुछ भी नहीं। खैर ये है शायद मेरे ख्याल से सेंच और ये है हमारा लूरी पुल। हाँ जी लूरी, मेरे ख्याल से शायद मुझे यही याद है। उसके बाद हम सीधे पहुंचेंगे आनी। आप सोच रहे मैं सीधे कैसे पहुंच गई, गाड़ी से भाई, गाड़ी से पहुंच जाते हैं फटाफट से। उसके बाद सबसे पहले मैंने अपना काम खत्म किया, ये देखो हमारे एसटीएम साहब, देख लो शक्ल एक बारी मिलेगी देखने के लिए। और उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूट होने थे ना, जो सेंट्रलाइजर जी हमारे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे लैपटॉप, हाँ वो आए नहीं। तो फिर हम वेट कर रहे थे, उन्होंने तो शाम के 3 बजा दिए, तब जाके लैपटॉप जो है डिस्ट्रीब्यूट किया। बस यही काम करा हमने पूरे दिन। और ये फिर से मैं ब्लॉग करना है, मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आया। तो ये देखो, ये है आनी का बाजार, मेरे ख्याल से बाजार ही होगा। बट आनी बाय गॉड, वहाँ का खाना और जो होटल में खाना मिला ना, दाल चावल राजमा जो भी था, एकदम मस्त, इतना मस्त। आप देखो मेरे फूड चैनल पर जाके देखो वीडियो, क्या मस्त खाना था यार, मजा आ गया। तो उसके बाद अब यार सीधी सी बात है, मैं तो घूमने गई नहीं थी। ये देख लो ये चौई बस है, ये मैं आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता रही हूँ। आने के लिए बस आ जाती है, जाने के लिए ये वाली बस है, आप इसको पकड़ना और रामपुर पहुँच जाना सीधे सीधे, ठीक है। और ये देखो इसका थोड़ा सा बाजार का लुक है, ये इतना ही है, मैंने इतना ही लिया था और मेरे को पता नहीं चला था बस स्टैंड का है। मतलब दुनिया इतनी गोल है कि मतलब कुछ पता ही नहीं चला था। वो मैंने बस स्टैंड ऊपर से देखा था, बस वहाँ पर बसें खड़ी थी और ये देखो ये बाजार है, बस यही लिया था मैंने। उसके बाद क्या हुआ, कॉल आ गई, कॉल भी नहीं आई, मतलब इसी धूप में गए हम घर। उसके बाद घर नहीं यार, जहाँ मिलना था हमें लैपटॉप वहाँ गए। और यहाँ पे मैं वीडियो ले रही थी, एक लड़की खड़ी उठी, उसने मेरी सारी वीडियो ख़राब कर दी। उसके बाद MLA साहब ने हमारे को दे दिए वो लैपटॉप, फिर लैपटॉप लेके घूम रहे थे पूरे आनी में, मज़ा आ गया देखते हुए। तो ये देखो ये मेरी मम्मी है और यहाँ देखो लैपटॉप सारे में लैपटॉप ही है, मतलब जितने भी लोग जा रहे थे उन्होंने सबने लैपटॉप पकड़े थे। और मेरे हाथ में था, थैला था मेरे हाथ में, बहुत भारी था, फिर भी मैंने कैमरा पकड़ा यार। आपको पता है नहीं मतलब व्लॉग करना कितना मुश्किल होता है, फिर भी मैंने कैमरा पकड़ा है, सिर्फ आपके लिए नहीं पकड़ा है, अपनी गर्ज के लिए मैंने पकड़ा है। उसके बाद अपनी धनों को धोएंगे, उसके बाद जाएंगे वापस रामपुर। उसके बाद मैं तो बहुत थक गई थी यार। ये देखो ये नीरथ यहाँ पे बनती है रोड़ी। बट मैं आपको यहाँ पर रोड़ी नहीं दिखा रही हूँ, मैं आपको यहाँ पर गाय बच्ची दिखा रही हूँ, ठीक है। तो मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था, मेरे को सिर में दर्द उठ गई थी बहुत ज़्यादा, इसलिए मैंने सीधा पटका उसके मुंह पर लैपटॉप, ले तेरा लैपटॉप, तो खुश रहे अब तेरा लैपटॉप ये है, अब तू इसका अनबॉक्स करे चाहे इसको जला के। नहीं जलाएंगे क्यों, इतनी मेहनत करके, इतना मतलब इतना खून पसीना बहा के, इतनी मतलब तीन किलोमीटर पैदल चल के, क्यों करेगी क्यों जलाएगी, इतनी मेहनत करती है बंदी, मतलब तो लैपटॉप ला लिया भाई इसने, भाई ताली होनी चाहिए इसके लिए, शाबाश। मेरा तो ऐसे बुरा हाल होता है कसम से, एक तरह की सिर दर्द, ऊपर से इतनी धूप में, और बस इतना काम करो जी, इतना दुख है भाई, क्या बताऊँ आपको। अपने हसदे चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्होंने कभी कोई तकलीफ नहीं होती, मतलब ये होता कि उन्होंने तकलीफों नाल डील करना होता। तो अब है वीडियो को एंड करने का बारी, और अब हम इसको टिक्का और धूप लगाएंगे, उसके बाद अच्छे से इसकी पूजा करेंगे और बस खत्म समाप्त। अब इसको ऑन करने की बारी है, अब इसको ऑन करेंगे।